हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ASR सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। आज हम आप लोगों को स्प्लिट एसी का ट्रबल शूट के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते रहेंगे, ये हमारा जो पर्ल का स्प्लिट एसी है इंडोर, देख सकते रहेंगे यहाँ पर हमारा कूलिंग नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर ग्रीन सिग्नल चालू है, यानी कि नीचे से इंडोर से हमारा आउटडोर को कमांड जा रहा है, फिर भी हमारा ठंडा नहीं हो रहा है रूम में। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा ये वीडियो में प्रैक्टिकली हम बताने वाले हैं। अगर आपको मालूम हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को और इस बेल घंटी को भी साथ में दबा दे, क्लिक कर दे, जिससे हम कोई सा भी दूसरा वीडियो बनाए आपको सबसे पहले मिले और इसका लाभ उठा सके। यहाँ पर आप देख सकते रहेंगे, ये हमारा एसी आउटडोर का है, आउटडोर है। हमने इंडोर में चेक किया, इंडोर हमारा चलता है और इंडोर से आउटडोर में हमारा कमांड आता है, लेकिन आउटडोर हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, चल नहीं रहा है। तो वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं क्यों नहीं चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कैसे चेक करते हैं, क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, यही हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा अगर आउटडोर नहीं चल रहा है या कंप्रेसर नहीं चल रहा है, कोई सा भी नहीं चल रहा है, तो हमें मेन जो है यहाँ पर पावर चेक कर लेना है। अगर हमारा इंडोर चालू है, आउटडोर नहीं चालू है, तो हमें पावर चेक कर लेना है, पावर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पर देख सकते रहेंगे, मेन जो हमारा फेस और न्यूट्रल है, यहाँ पर हमने पावर चेक किया है इस तरह से। तो आप भी इसी तरह कभी कॉल पर जाते हैं तो मेन जो सबसे पहले पावर चेक कर लें, हमारा टर्मिनल पर पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमने पावर चेक किया, पावर शो कर रहा है, ये दोनों फेस और न्यूट्रल है। यहाँ पर जो है पुराने वगैरह कनेक्टर्स वगैरह रह सकते रहेंगे, तो आपको शायद टाइम लग सकता रहेगा। उसके बाद यहाँ से ही न्यूट्रल हमें जो है कमांड आता है, दूसरा सीपी वायर जो आता है, यहाँ से हमें न्यूट्रल लगाकर फेस में हमें चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते रहेंगे, हमने चेक किया, यहाँ पर पावर आ रहा है कि इनडोर से यहाँ तक हमारा पावर आ रहा है, लेकिन हमारा आउटडोर का जो है कंप्रेसर नहीं चलता है। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, तो वहाँ पे हो गया। उसके बाद हमें चेक कर लेना है कॉन्टैक्टर, यानी कि हमारा जो इनडोर में पावर तो आ रहा है, उसके बाद हमें चेक कर लेना चाहिए कॉन्टैक्टर में हमारा पावर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई बार कारणवश होता रहता है, कनेक्टर हमारा खराब रहेगा कम्युनिकेशन का, तो यहाँ पर पावर नहीं आता है। तो हमें कॉन्टैक्टर तक यहाँ तक पावर चेक कर लेना चाहिए, दोनों में फेस न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंगल फेस का है, टू पोल का कॉन्टैक्टर है, तो हमें इस तरह से चेक कर लेना चाहिए फेस और न्यूट्रल यहाँ पर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमें इन होना चाहिए, अगर यहाँ तक पावर आ रहा है तो ठीक है। उसके बाद हमें चेक कर लेना है कॉन्टैक्टर का क्वाइल, यानी कि कॉन्टैक्टर का क्वाइल हमें चेक कर लेना है, ये हमारा कॉन्टैक्टर जो है ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते रहेंगे, यहाँ से हमने एक फेस लिया है और न्यूट्रल को वहाँ पर हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से फेस न्यूट्रल हो गया, उस साइड में डायरेक्ट है और इस साइड में फेस है, यानी कि इनडोर से मेन जो पावर सीपी पावर आता है यहाँ पर आता है कॉन्टैक्टर के क्वाइल को आता है। तो हमें कॉन्टैक्टर का कॉइल दोनों साइड रहता है, उसको हमें चेक कर लेना चाहिए, वहाँ हमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि हमें जो मेन जो सबसे पहले आउटडोर में आएंगे तो हमें मेन इनपुट चेक कर लेना है, कॉन्टैक्टर का इनपुट चेक कर लेना है, कॉइल चेक कर लेना है, कॉइल पर हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पीछे कम्युनिकेशन का वायर का प्रॉब्लम हो रहा रहेगा। अगर आउट हो रहा है, कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, तो उसके बाद हमें आउटपुट चेक कर लेना है, कॉन्टैक्टर के यहाँ से हमें आउटपुट चेक कर लेना है, आउटपुट में हमारा पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें पावर नहीं शो कर रहा है, लेकिन ये इसका प्रॉब्लम कुछ और है, हम आगे आप लोग को एक एक चेक करके दिखाते हैं। इस तरह से मतलब हमें सेट करेंगे, चेक करेंगे, आउटडोर में हमें चेक कर लेंगे। उसके बाद हमने चेक किया यहाँ पर कॉन्ट्रेक्टर का आउटपुट हमने चेक लिया, सही था। फिर बाद में हमने कंप्रेसर को चेक किया, यहाँ पर नीचे देख सकते रहेंगे, हमने जब कंप्रेसर का चेक किया है तो हमारा यहाँ पर टर्मिनल का वायर देख सकते रहेंगे जला हुआ हमें मिला, शॉर्ट मिला है। यहाँ पर देख सकते रहेंगे हमारा जो टर्मिनल का वायर है किस तरह से जल गया है, शॉर्ट हो गया है। तो आप देख सकते रहेंगे किस तरह से बुरी तरह से ये हमारा जल गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता रहेगा, इसका जो है मेन कारण हो सकता रहेगा लूज कनेक्शन। जो कई बार हमारा जो है कनेक्टर वगैरह थिम्बल्स वगैरह हम लगाते हैं, लूज हो जाता है, प्रॉपर टाइट नहीं हो सकता हो जाता है, इसके वजह से वो हीट होता है, हीट होकर के वायर जलता है, वायर जलने के साथ साथ टर्मिनल्स वगैरह है जल जाते हैं। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम हो गया था, लूज कनेक्शन हो गया था, थिम्बल्स जो लगे थे इसमें लूज हो गए थे शायद, जिसके वजह से ये हीट अप हो गया है। मेन कारण यही होता है, हीट अप होकर के ये जल गया है। अभी टर्मिनल वगैरह भी देख सकते रहेंगे इसका जल गया है, यानी कि इसमें हम दोबारा थिम्बल नहीं लगा सकते हैं। ये मालूम देख सकते रहेंगे दोबारा अभी दो में हम थिम्बल लगा सकते हैं, लेकिन एक में जो कॉमन यहाँ पर जो स्क्रूड्राइवर लगा रहे हैं इसमें हमारा जो है जल गया है, उसमें हम थिम्बल नहीं लगा सकते हैं। तो इसका हम क्या उपाय करेंगे, इसके लिए हम बताते हैं आप लोग को।
उसमें थिम्बल नहीं लगा सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कनेक्टर का जो पॉइंट रहता है, कनेक्टर रहता है उसको हमने तोड़ करके निकाल लिया, स्टील कलर का है। और दो वायर में जो हमने स्टार्ट और रन का जो है वहां पर हमने थिम्बल लगा लिया है, और बाकी जो है एक कॉमन का जो वायर जो हमारा जल गया है, पॉइंट जो टर्मिनल से जल गया है, उसके लिए हमने इस तरह से थिम्बल बना लिया है। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास भी कुछ आइडिया है क्या क्या चीज करते हैं, अगर कनेक्टर हमारा जो टर्मिनल जल जाता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हमने इस तरह से एक आइडिया बना लिया है इसको चालू करने के लिए, लगाने के लिए। तो ये भी कुछ सक्सेसफुल रहता है, एक आइडिया है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं उसके। और वापस जो है इस तरह से हमें टेप लगा देना है, देख सकते हैं हमने इसमें कनेक्टर जो है कनेक्टर लगा दिया है, और दो जो थिम्बल्स लगा दिया है, वायर को हमने जो अच्छी तरह से टैपिंग कर दिया है, जो आपस में शॉर्ट ना हो, जैसा कि आप देख सकते रहेंगे यहाँ से लगा दिया है। फिर वापस हमें जो है इसको हिला करके चेक कर लेना चाहिए, कहीं लूज तो नहीं है हमारा। वापस जो कभी भी लगाएंगे इस तरह से, कभी भी थिम्बल लगाते हैं, तो उसको वापस जो अच्छी तरह से टाइट करके ही लगाएं, नहीं तो इस तरह से आपका जल सकता है, हीट हो सकता है, या खराब हो सकता रहेगा, टर्मिनल वगैरह और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता रहेगा। तो अच्छी तरह से उसको टेप करके टाइट करके लगाएं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन हम आप लोग को बता देते हैं। कंप्रेसर का जो आता है, तीन वायर जाता है, एक कॉमन को जाता है, एक रन को जाता है, एक स्टार्ट को जाता है। कंप्रेसर से फेस न्यूट्रल दो डायरेक्ट जा रहा है, और एक दूसरा तीसरा पॉइंट है कैपेसिटर से आउट होकर के जा रहा है। एक कैपेसिटर के जो एक वायर जा रहा है, और यहाँ से फेस और न्यूट्रल, यानी कि एक कॉमन को जाएगा, और दूसरा रन को जाएगा, तीसरा जो है स्टार्ट को, कैपेसिटर जो आउटपुट होता है वो स्टार्ट के लिए जाता है। इसका किस तरह से कनेक्शन रहता है, वायरिंग वगैरह हमारा दूसरा वीडियो में रहता है स्पेशली, है किस तरह से कनेक्शन रहता है, वायरिंग वगैरह रहता है, कॉमन और स्टार्ट किस तरह से चेक करेंगे, एवरीथिंग जो है सब कुछ हमारा दूसरा वीडियो में बताया हुआ है। इसमें हम चेक करने के लिए बता रहे थे किस तरह से हमें चेक करते हैं, फाइंड करते हैं, ट्रबल शूट को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे वायर वगैरह हमें सब चेक कर लेना चाहिए। अगर सब कुछ हमारा रेडी हो गया है, चालू करने से पहले हमें एक बार पूरा वायर वगैरह कनेक्शन वगैरह हमें चेक कर लेना चाहिए, सब कनेक्शन वगैरह सही है, वायर वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं है, कहीं वायर हमारा टचअप नहीं हो रहा है, या शॉर्ट नहीं हो रहा है, कोई वायर हमारा ब्रेक है, या जो भी है भी थिंग जो हमें चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद कनेक्टर वगैरह है, इसे भी हमें जो है एक बार खोल करके चेक कर लेना चाहिए। कनेक्टर कई बार रहता है हमारा लोड आ जाता है, कंप्रेसर जला हुआ है, हीटअप हुआ है, तो इस यहाँ पर भी अगर लोड करके कनेक्टर पॉइंट्स रहते हैं जो कनेक्टर के, वो भी हीटअप होकर खराब हो सकते रहेंगे, जल सकते रहेंगे, या तो फिर पुराने हो गए रहेंगे, स्पार्क आकर के खराब हो जाते हैं। तो हमें ये सब जो है चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते रहेंगे हमने इसको चेक कर लिया है, यहाँ पर जो भी हमारा सही है प्रॉपर है। उसके बाद वायर वगैरह हमें चेक कर लेना है, कहीं टच तो नहीं हो रहा है, शॉर्ट नहीं हो रहा है, खराब नहीं हो रहा है। वापस हमें जो है इसका कनेक्टर जो है कवर है हमें लगा देना है। ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया है, बाकी हम इसका कवर वगैरह भी लगा देते हैं, कवर वगैरह लगा दिए हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे चालू करते हैं, यानी इंडोर हमने चालू किया है। तो इंडोर चालू करने के बाद जो हमारा 5 मिनट का टाइम लगता है, तो हमें वेट किया था, वीडियो को स्किप करके यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर इसलिए हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, ये हमारा जो है 2 टन का कंप्रेसर है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हुआ है। तो इसमें जो हमारा देख सकते रहेंगे 9 एम्पियर जो है ले रहा है, यहाँ पर देख सकते जो हमारा 9 एम्पियर शो कर रहा है, यानी कि कंप्रेसर वगैरह भी हमारा सही है, स्टार्ट हो रहा है, नॉर्मल जो है चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पाइप अभी हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर रिटर्न वगैरह नहीं आ रहा है, यानी कि अगर इस तरह से ड्राई हमारे पास गेज नहीं है, तो हम इसको कैसे चेक करें हमारे गैस सही है कि नहीं है, गैस कम है। अगर हमारा गैस कम रहेगा तो यहाँ पर एम्पियर वगैरह भी जो है हमारा कम लेगा, एक इस तरह से हम चेक कर सकते रहेंगे। अगर हमारा एम्पियर कम ले रहा है तो हमारा गैस कम हो सकता रहेगा, या तो स्टार्ट का नहीं प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, नॉर्मल यही एग्जाम्पल हो सकता रहेगा। उसके बाद जो है हमारा अगर पाइप पे हमें शूटिंग नहीं आ रहा, यानी कुछ टाइम हमारा चला, हम यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर वगैरह चेक कर रहे हैं, एम्पियर वगैरह हमारा सही है। उसके बाद हमारा जो एसी कुछ टाइम हम वेट करेंगे चल रहा है, अगर शूटिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब गैस कम हो सकता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, या और भी स्टार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें नॉर्मल हम इस तरह से पकड़ेंगे। यहाँ पर रिटर्न जो है हमारा ठंडा होना चाहिए, और यहाँ से लिक्विड लाइन है ये भी हमारा ठंडा होना चाहिए, शूटिंग होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते रहे ये अभी हमारा शूटिंग चालू हो रहा है, पहले ड्राई था, अभी देख सकते हैं नमी हमारा धीरे धीरे आ रहा है, यानी कि थोड़ा टाइम 2-4 मिनट में 5 मिनट में ये हमारा नमी जो है बन रहा है। रिटर्न जो है ये लिक्विड लाइन है ये ठंडा हो रहा है, और नीचे सक्शन लाइन है ये भी हमारा जो ठंडा हो रहा है, जिसका मतलब हमारा गैस सही है। अगर हमारा इसको पकड़ने पर ठंडा नहीं हो रहा है, फील हो रहा है, इसका मतलब हमारा गैस कम है।
कंडेंसर फैन मोटर का एम्पियर हम चेक कर लेते हैं। कंडेंसर फैन मोटर का एम्पियर ले सकते रहेंगे, ये कुछ 1 एम्पियर से कम ही ले रहा है। ये हमारा डिजिटल नहीं है जिससे मेरे प्रॉपर नहीं मालूम चल रहा है, लेकिन 1 एम्पियर से ये कम ले रहा है कंडेंसर फैन मोटर का। उसके बाद यहाँ से कामर और स्टार्ट वगैरह जो भी एक एक हम पावर चेक कर लेंगे कितना हमारा वोल्टेज एम्पियर वगैरह आ रहा है, सही आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है एसी का कभी भी ख़राब हो जाता है, ट्रबल शूट वगैरह है, इस तरह से हम चेक करते हैं। कहीं कॉल पर जाते हैं, हमें रूम इंडोर जो हमारा चल रहा है, आउटडोर नहीं चल रहा है, यानी कूलिंग नहीं हो रहा है, तो हमें इस तरह से मेन जो एक एक बाई सेटअप बाई सेटअप 1 बाई 1 चेक करना है और रिपेयर करना है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर कुछ सीखने जाने को मिला है, क्या चीज़ जानने सीखने को समझ में आया है इसका वीडियो का हमें फीडबैक जरूर दें, जैसे और भी इसी तरह से हम लेटेस्ट वीडियो बनाएं आप लोग के पास भेज सके और आप लोग भी सीख सके देख सके। यहाँ पर आप देख सकते रहें हमारा जो लाइन है ठंडा हो गया है, चिल्ड हो गया है, ठंडा है, शूटिंग रिटर्न आ रहा है। तो इस तरह से जो आप फाइंड कर सकते हैं बिना गेज के भी गैस सही है कि। आशा करता हूं आपको यह वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल ऑन कर दें, जिससे हम कोई सा भी और वीडियो बनाए तो आपके पास भेज सके देख सके। आप देख सकते हैं हमारे इस एसआर सर्विस सेंटर के चैनल पर बहुत सारे टेक्निकल वीडियो है, जो हमारा होम इक्विपमेंट जो घर में यूज होने वाले इक्विपमेंट रहते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम रहते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एयर कंडीशनिंग, मोटर, हर एक चीज का जो है टेक्निकल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अगर आईटीआई डिप्लोमा या कुछ भी आप कोर्सेस कर रहे हैं, आप नए फील्ड में हैं, तो ये वीडियो है, ये चैनल हमारा आपके हेल्पफुल के लिए है। आपको इस पे हर चीज जो है थ्योरेटिकली से लेकर के प्रैक्टिकली वीडियो बनाया जाएगा और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चीज सीखना है, वो हिसाब से हम आप लोगों को टेक्निकल वीडियो बनाकर देंगे और आप लोग का हेल्प होगा। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी करेंगे, आप जो है नए टेक्नीशियन नए लोग का आप भी हेल्प जरूर करें, ये वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे वो लोग भी सीख सके देख सके। आशा करता हूं आपको ये वीडियो में जरूर कुछ सीखने को मिला है। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।